अमेरिकी प्रतिबंधों से तंग आकर ईरान ने विश्व शक्ति परमाणु समझौता रद्द करने की धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अगर देशों के हितों को फायदा नहीं होता और सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाया जाता है तो वह विश्व शक्तियों के साथ अपने परमाणु समझौते को निरस्त कर सकता है। कैबिनेट के साथ बैठक में खामेनी नेता ने कहा है कि स्वाभाविक है यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमाणु समझौता हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं कर रहा है तो हम इसे दरकिनार कर देंगे। खामेनी ने कहा है कि समझौते से अमेरिका के हटने के बाद मुद्दों के समाधान के लिए हो रहे यूरोपीय कोशिशों के बावजूद ईरान को यूरोप से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लगने के कारण ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की सरकार परेशानियों का सामना कर रही है क्योंकि विदेशी कंपनियां तेजी से देश छोड़ रही हैं और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की रूहानी की उम्मीदें बेकार साबित हो रही हैं। संसद इस महीने श्रम एवं अर्थव्यवस्था मंत्रियों को बर्खास्त कर चुकी है और उद्योग तथा शिक्षा मंत्रियों पर आगामी दिनों में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा चुका है। खामेनी ने कहा है कि यह राजनीतिक हलचल ईरान के लोकतंत्र की शक्ति के संकेत हैं।